बाबा सिद्दीकी की हत्या के बाद पहली बार सलमान खान के परिवार का एक बयान सामने आया है। सलमान के भाई अरबाज खान ने खुलकर बात की है और अपने परिवार का दर्द बयां किया है। उन्होंने कहा कि बाबा सिद्दीकी की मौत से हम सब लोग काफी परेशान हैं, लेकिन हम रिकवरी की कोशिश कर रहे हैं। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण रहा है, उनकी इफ्तार पार्टी के बिना ईद अधूरी रहेगी। उनके साथ ईद के मौके पर पूरी इंडस्ट्री जमा होती थी, तो उनके जाने का बड़ा अफसोस हो रहा है। इस घटना से हम सभी लोग काफी प्रभावित हुए हैं और उनकी फैमिली के लिए दुआ कर रहे हैं। बाबा सिद्दीकी सर वाज अ वेरी वेरी क्लोज फैमिली फ्रेंड एंड अ वेरी लव्ड पर्सन। उनके साथ हमेशा आप देखो ईद के टाइम पे पूरी इंडस्ट्री जमा होती थी, तो उनके जाने का बड़ा अफसोस हो रहा है। एंड यू नो वी हैव प्रेयर्स फॉर द फैमिली एंड यू नो वी आर ऑल अफेक्टेड बाय दिस इंसिडेंट एंड इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट बट आई गेस वी आर ऑल काइंड ऑफ ट्राइंग टू रिकवर फ्रॉम दिस थिंग, जस्ट प्रेयर्स, दैट्स इट। वहीं दूसरी ओर हरियाणा के पानीपत से सुखा नाम का एक शख्स पकड़ा गया है। ये लॉरेंस बिश्नोई गैंग का सदस्य बताया जा रहा है। इस पर बॉलीवुड अभिनेता सलमान खान के घर की रेकी करने के आरोप है। आपको बता दें नवी मुंबई की पनवेल सिटी और हरियाणा पुलिस ने साथ में ऑपरेशन चलाकर सलमान खान की सुपारी लेने वाले बिश्नोई गैंग के शार्प शूटर को दबोचा है। पनवेल में उसने फिल्म अभिनेता सलमान खान के घर पर रेकी की थी। पुलिस की माने तो लॉरेंस बिश्नोई गैंग और संपत नेहरा गैंग ने सलमान के मूवमेंट की जानकारी रखने के लिए उनके बांद्रा वाले घर पनवेल फार्म हाउस और शूटिंग लोकेशन पर 60 से 70 लोगों को काम पर लगाया था। सलमान की हत्या की साजिश रचे जाने की जानकारी के बाद 24 अगस्त को पनवेल टाउन पुलिस स्टेशन में कई व्यक्तियों के खिलाफ केस भी दर्ज किया गया था। फिलहाल मामले की जांच जारी है और पुलिस लगातार बाबा सिद्दीकी हत्याकांड में गिरफ्तारी कर रही है।